बोलो खाटू नरेश की। पेट्रोल पंप ही डूब गया पूरा, आगे ट्रक डूबा पड़ा है, ट्रक डूबा पड़ा है आगे। राइट दबाओ राइट। हेलो गाइस, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल एच के क्रिएटर। सो आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एच के क्रिएटर पर बहुत बहुत स्वागत है। सो भाई, राइडिंग जैकेट और ये सब देख कर समझ गए होंगे कि अब हम कहीं राइड पर निकलने वाले हैं। सो फिलहाल का प्लान ये है कि हम जा रहे हैं खाटू श्याम जी, खाटू श्याम जी सालासर बालाजी दर्शन करने भगवान जी के। और रात के बज रहे हैं 12, इस टाइम निकल रहे हैं, सुबह 6 बजे तक हार्डली पहुंच जाएंगे। कौन कौन जा रहा है हमारे साथ इसकी इन्फॉर्मेशन मैं आपको थोड़ी देर में देता हूँ। डायरेक्ट उनसे मिलवा भी दूंगा आपको, डायरेक्ट साथ साथ मिलते जाएंगे कि हाँ भाई कौन कौन जा रहा है। फिलहाल मेरे साथ मेरे एक साथ एक पिलियन जा रहा है, मेरे ब्रदर इन लॉ है, सो वो जा रहा है। ये पीछे हेलमेट पहन के पहले ही रेडी हो गया है, अभी व्लॉग में आया नहीं, व्लॉग में ले लेंगे इसको अभी थोड़ी देर में। सो अपनी धन्नो रेडी। सो अभी यहाँ से निकलते हैं, पहले संदीप भाई हैं, संदीप भाई उनकी शॉप है रॉयल इनफील्ड की, मैकेनिक की शॉप है उनका। सो अभी वहाँ पर जाते हैं, वहीं पर सभी एक मीटिंग पॉइंट वहीं पर ही है, संदीप रॉयल इनफील्ड। सो भाई निकलने की तैयारी, कोमल को बोलते हैं बाय बाय, कोमल नहीं जा रही है साथ में इस बार। और संदीप भाई से बात हो गई है, वो शॉप पर पहुंचे हैं, शायद उनकी बाइक में बैटरी का इशू आ रहा था थोड़ा सा, तो वो बैटरी चेंज कर रहे हैं। हार्डली 5-10 मिनट लगेंगे और वहाँ से निकल जाएंगे हम। और जादू तो आपने देखा है ना बाइक में, लास्ट वीडियो आपने देख ली होगी कि हमने अपने बाइक पे जादू लगवाया है, जो रात के टाइम वर्क करता है। ये देखो भाई, ये देखो जादू। ये हाईवे पे बहुत हेल्प करने वाला है, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है इस चक्कर में। मैंने सोचा है कि अब नाइट में ही हम राइड करेंगे। तो भाई संदीप भाई की शॉप आ गई है, यह है भाई संदीप रॉयल इनफील्ड। तो भाई ये है संदीप भैया, ये है शत्रु और ये है विकास। इस भाई का नाम क्या है? नितिन। ये नितिन भाई हैं। बैठी है भाई, तो फड़ी भी डाल लिया हमने, घर पहुंचते दुखी कर दिया ताली में। सोचो भाई ये मैकेनिक्स के हाल है। वो चेक कर लाइट उनका यार, देखो क्या लाइट लगा रखे हैं पीली। ताला ये सब तुम्हारी मेहरबानी है। अरे ये क्या है, लाइट चेंज करो। लाइट चेंज लो भाई, रात को अब इस लाइट में हम जाएंगे हाईवे पे, बताओ। ये लाइट का कनेक्शन गलत है। कह रहे कनेक्शन गलत है। ये मैकेनिक्स के हाल है भाई, ये रोड पे पता है बाइक के खोल के खड़े हो जाएंगे। तो भाई राइड पे फुल फन होने वाला है, बस वीडियो के अंदर बने रहो भाई। तो भाई रात को 12 बजे निकलना था और 12:30 हो रहे हैं और अभी तक फॉग लैंप लग रहे हैं बाइक में। ये मैकेनिक लगे हुए हैं अभी, ये मैकेनिक जहाँ पहुँचते हैं वहीं बाइक ना खुले ऐसा हो नहीं सकता। तो भाई निकल गए फाइनली। बोलो खाटू नरेश की। चलो तो आ रहे हैं पीछे, सबका ध्यान रख के चलना है रोड पे। संदीप भैया को पेट्रोल डलवाना है,
तो भाई ये मैकेनिक्स के हाल है, देख रहे हो पूरा दिन सलेंसर लगा, ये लगा, वो लगा, बाइक के अंदर करते रहे, लेकिन एंड मोमेंट पे भी आकर बैटरी चेंज करी, फॉग लाइट लगाई, अभी भी आधा घंटा यहाँ पे लगा है। सो निकल गए हैं राइड पर और भगवान के दर्शन करने के लिए, थोड़ी हवा लग जाए हाथों में तब आगे जाकर के ग्लव्स डालूंगा, बाकी सब लाइनअप्स में पीछे। तो भाई धोलाकुआ पहुंच गए और यहाँ से डलवाना है पेट्रोल, क्योंकि संदीप भाई ने पेट्रोल भी डलवाया था। तो भाई कैमरे में इशू आ गया था, जैसे ही गुड़गांव क्रॉस हुआ मैंने देखा रिकॉर्डिंग तो हो ही नहीं रही है भाई, सारी बैटरी निकाली, दोबारा डाला और फिर चालू किया इसको। साइबर सिटी क्रॉस होते ही मैंने देखा, मैंने कहा तो रिकॉर्डिंग हो ही नहीं रही है, काफ़ी कुछ बोल के मैंने रिकॉर्ड किया था। तो काफ़ी टाइम से प्लान बन रहा था भाई हमारा कि खाटू श्याम जी जाना है, सो फाइनली आज वो दिन आ गया कि बाबा के दर्शन के लिए हम निकल गए हैं। तो अभी तक बहुत बढ़िया राइड जा रही है, सब एक्सपीरियंस्ड है चलाने वाले, ऐसा नहीं है कि कोई भी न्यू हो या फ्रेशर हो, सभी एक्सपीरियंस्ड है, देख करके चल रहे हैं, थोड़ा चलाने से ही पता चल जाता है। वैसे मैं इन सब के साथ पहली बार राइड कर रहा हूँ बट चलाने से ही पता चल जाता है कि आदमी के किस तरीके से वो बाइक चला रहा है। सो अभी तक सो फार सो गुड, और मुझे भी 80 की स्पीड मेंटेन करनी है क्योंकि पीछे भी जो राइडर्स चल रहे हैं उनको देख करके चलना है। तो भाई आ गई एक प्रॉब्लम, अपनी बाइक का मीटर ख़राब हो गया, क्योंकि अभी मैं चल रहा हूँ गूगल पे जो शो करता है आगे पानी भरा हुआ है, तो सबको इंडिकेट करना ज़रूरी। देख रहे हो भाई कितना पानी भरा हुआ है। तो भाई गूगल पे जो स्पीड शो हो रही है वो 80 की शो हो रही है, तो बाइक दिखा रही है 100-110, इतना फ़र्क। अब ख़राब हुआ है क्या चीज़ हुई है, अभी इतने सारे मैकेनिक चल रहे हैं अपने साथ, वो देखेंगे। देखो इसमें दिखा रहा है 71 और मेरी बाइक जा रही है 100, तो कुछ तो लोचा है दया, समझ नहीं आ रहा है क्या लोचा है, देखना पड़ेगा। रेड हो गया है मैप सारा। तो भाई पानी देखो यहाँ पर कितना भरा हुआ है, ओ भाई गाड़ी देख कहाँ तक डूबी पड़ी है। बहुत बुरा हाल, हमें पूरी राइड दबानी पड़ेगी अभी, पेट्रोल पंप पे तो कोई है ही नहीं भाई। हाँ पेट्रोल पंप भी डूब गया पूरा, आगे ट्रक डूबा पड़ा है, ट्रक डूबा पड़ा आगे। राइट दबाओ, राइट
राइट दबाओ राइट। तो भाई हालात देख रहे हो, बहुत बुरा हाल। ये हाईवे है भाई, हाईवे हाईवे का ये हाल है। तगड़ा ही पानी भरा हुआ है भाई, तगड़ा। शायद पानी के भरने की वजह से ही ये जाम लगा है। यहाँ पर इतनी बारिश हुई है भाई। भाई ट्रक कड़क, ट्रक फंस गया भाई, देखो उसका टायर ना फंस गया अंदर। अब ये जब पानी सूखेगा तभी निकलेगा, मुझे ऐसा लगता है। मैं कॉर्नर में इसलिए नहीं जा रहा हूँ इधर, क्योंकि ट्रक से पानी इधर आ रहा है और मेरे जूते गीले हो गए तो दिक्कत हो जाएगी। देखो आगे पानी इधर की साइड आ रहा है, इस चक्कर में मैं इस ट्रक के पीछे ही हूँ और जितना हो सकता है मैं राइड दबा के ही चलूँगा। ओ भाई ट्रक का हाल देख, पूरा ऑलमोस्ट फंस गया भाई ये। तो अभी मैंने शत्रु और विकास से बात करी इस बारे में कि भाई एम प्लस में जा रहा है ज़्यादा और शायद स्पीडोमीटर तो ख़राब ही हो गया है या कोई क्या प्रॉब्लम आई है। तो वो कह रहा है अभी किसी होटल पे रुकते हैं, वहाँ पे चाय पानी पीते हैं, वहाँ पर देखेंगे इसको। तो अभी डिस्टेंस रह गया 3 घंटे 9 मिनट का, 162 किलोमीटर, 162 किलोमीटर। शायद नज़र लग गई है मेरी बाइक को, मेरी किसी की नहीं लगती भाई, अपनी नज़र लगती है, मेरी अपनी नज़र लग गई है इस बाइक को। चलो जहाँ हम जा रहे हैं इसकी वो भगवान नज़र उतारें, खाटू श्याम जी इसकी नज़र उतारें। देखो बाइक भाई मेरी 160 जा रही है, मैं खुद हैरान हो गया, मैंने कहा आज तक 160 नहीं गई भाई, 160 तो टोटल स्पीड है इसकी। कौन ट्रक वालों के लिए तो लाइट लगाई है हमने, आपकी लाइट तो फिर भी ठीक है, यू साइड दे देते हैं। हम लोग तो भाई साहब उधर भैया के पीछे, हम तो भाई साहब बातें ऐसे करते करते आ रहे थे, वो 5-6 बजे तक पहुंच जाएंगे। क्या टाइम हो रहा है? 3 बज रहे हैं ना, 2:55 दिखा रहा है, 3 घंटे हो गए ना, 6 बजे तक पहुंच जाएंगे। कितना किलोमीटर हो रहा है अभी? हम 100 किलोमीटर आ गए ना, 100 किलोमीटर आ गए हम। ओके, मेरे को तो मानेसर पता नहीं चला इतनी जल्दी कैसे आ गया। होटल हाईवे किंग पे रुके थे और सारी कुर्सियां मोदे मुँह पड़ी हैं, कोई फ़ायदा नहीं है रुकने का, सिर्फ सैंडविचेस पराठे चाय ये सब मिल रहा है और ऑलमोस्ट सब चीज़ बंद है और सब भाई लोग यहाँ बैठे हैं। और हेलो, जब से ये हेलमेट पहन के आया था भाई, हेलमेट पहन के ही रुका हुआ था, ये सीढ़ी से उतरा था तब भी इसने हेलमेट पहना हुआ था, ना ये कैमरे में आया ना कुछ आया। तो भाई ये मेरे ब्रदर लोग और ये संदीप भैया, ये विकास और ये नितिन, ये शत्रु सबका। और चाय आ रही है और चाय पी के फिर निकलते हैं यार फटाफट, ताकि टाइम से पहुँचे ठंडे ठंडे में, क्योंकि दिन हो गए तो गर्मी हो जाएगी भाई। चाय आ गई है। तो भाई चाय ब्रेक डन और यहाँ से निकलने का टाइम 2 घंटे 57 मिनट, 149 किलोमीटर। तो भाई यहाँ पे हुआ एक्सीडेंट बहुत तगड़ा, अरे देखो भाई पूरा का पूरा ट्रक पलट गया, देखा।
तो भाई जितना हो सके रात को सेफ राइड करें, आराम से चलें, कोई जल्दबाजी नहीं है भाई, जितना हो सकता है आराम से चलें। पूरा का पूरा ट्रक पलट गया, टक्कर हुई आपस में, दूसरा ट्रक के आगे से मुंह खराब हो गया उसका। अभी जब हम रुके तो हम भी यही बात कर रहे थे क्योंकि विकास काफ़ी तेज़ चल रहा था रोड पर, तो उसको बोला मंदा चलाने के लिए, क्योंकि रात को पता नहीं होता ना एकदम से कौन सा कोई कुत्ता बिल्ली कोई जानवर रोड पर एकदम से आ जाए तो। और मैं अपनी स्पीड का अंदाज़ा कैसे लगा रहा हूँ अब, मैं जो मैप में जो स्पीड आ रही होती है ना कोने पे, मैं उसके हिसाब से अपनी स्पीड का अंदाज़ा लगा रहा हूँ कि हम कितनी तेज़ जा रहे हैं। अभी मैं 70-80 चल रहा हूँ। यहाँ हो रहा जुगाड़, इसकी बाइक का स्टैंड का स्प्रिंग निकल गया है। बताओ भैया क्या मदद करें आपकी, धन्यवाद भैया। ये हमारा YouTube चैनल है, आ जाओ चले घुमा ले। हम खाटू श्याम जी, बैटरी में प्रॉब्लम आ रही है इसकी, बैटरी में तो अपने भाई दो भाई आ गए थे पूछने के लिए कि आप यूट्यूबर हो, वीडियो बनाते हो, और पीछे टायर में हवा कम है संदीप भाई ने बताया, और शायद बैटरी में इशू आ रहा है अपनी, देखना पड़ेगा। तो भाई गूगल गलियों का रास्ता दिखा रहा था, हम थोड़ा हाईवे आना चाह रहे थे क्योंकि रात का टाइम है, सो अब शाहपुर रोड पे हम चढ़ गए अंदर। दिन में यहाँ पर भाई इतनी भीड़ होती है, और रात को देख लो अभी। One hour later. तो भाई सुबह हो गई है और बीच रोड पे रुके हैं, थोड़ा सा लोकेशन अच्छी मिल गई अपने को और हल्की हल्की ठंडक, तो यहाँ पर रुके हैं। सब यहाँ पे फ़ोटो सेशन चल रहा है और अपनी फ़ोटोज़ भी आप देख सकते हो यहाँ पे, इंस्टाग्राम आईडी आ रही होगी सो इंस्टाग्राम पे ही फॉलो कर लेना। तो भाई निकल गए हैं आगे, फोटो सेशन डन। तो जी पहुंच गए रिंगस, 17 किलोमीटर यहां से पैदल यात्री स्टार्ट हो गए हैं दिखना, और सब निशान लेकर के बाबा का निकल गए हैं, और हम भी अब बाबा की ओर। सिमरे को किसने सजा दिया, कानों में कुंडल पहना के, केसर चंदन तिलक लगा के, कानों में कुंडल पहना के, केसर चंदन तिलक लगा के, देख रहे हो भाई अलग ही मजा है, अलग ही आनंद। 2000 years later. तो भाई यहाँ पर पहुँच गए हैं और सबने टीका वीका लगाया, और ये शाम दरबार का गेट बहुत ही सुंदर नज़ारा है सुबह सुबह। तो भाई यहाँ पे भीड़ देखो, देख रहे हो भाई क्या रौनक है। तो भाई सुबह 8 बजे पहुँच गए थे, 1.5 घंटा रेस्ट किया, और ये अपना होटल पीछे, ये होटल लिया फटाफट, और अब दर्शन के लिए निकल गए हैं।
9:30 बजे के आसपास का टाइम है। सिर्फ अभी हाथ मुँह धोया है, कुंड में जा कर के नहाएंगे और दर्शन करेंगे श्याम बाबा के। और ये पीछे सारी अपनी टीम आ रही है। तो भाई कुंड में डुबकी लगा ली है और अब तो भाई जो भी कुंड में यहाँ पर आओ, कुंड की बहुत बड़ी महिमा है, उस महिमा को जानो, ठीक है जी। जिसके भी कोई कष्ट होते हैं, स्किन से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो या कुछ भी एक्सरसाइज हो, और इस कुंड में नहाने से, इस कुंड में नहाने से बिल्कुल ठीक हो जाता है, बिल्कुल ठीक, किसी भी तरीके की कोई प्रॉब्लम हो तो आप आओ और यहाँ पर ज़रूर डुबकी लगाओ। तो हम सब ने अब डुबकी लगा लिया, अब श्री श्याम जी के दर्शन करेंगे, खाटू श्याम जी के दर्शन करेंगे, खाटू नरेश के दर्शन करेंगे और वहाँ पे फ़ोन वगैरह अलाउड हुआ सो मैं आपको दर्शन कराऊंगा वहाँ पर ज़रूर। सब लोग सोच रहे होंगे कि भाई इतने सारे बंदे हैं, ये सब आ क्यों नहीं रहे कैमरे पे। एक्चुअली क्या है कि ये सब ना थोड़े कैमरा कॉन्शियस हैं, तो कैमरे पे आकर ना थोड़े से दब जाते हैं, बोल नहीं पाते हैं। देखा था हेलो हाय कैसे करते हैं, वैसे मस्ती मजाक पूरा चलता है, लेकिन क्या है कि वहाँ उस टाइम बोल नहीं पाते हैं ये लोग कैमरे के सामने। भाई जी बहुत गर्मी है, बहुत धूप है, लस्सी भी ला रहे हैं, लस्सी। पहले हम दर्शन करेंगे, उसके बाद कुछ खाएंगे पियेंगे। और संदीप भैया के साथ कोई इंसिडेंट हुआ है, मैं आपके साथ शेयर नहीं कर सकता। यही बहुत है बस, यही बहुत है बस। खाटू नरेश की, हारे के सहारे की, तीन बाणधारी की। तो भाई बहुत आनंद, बहुत खुले दर्शन हो रहे हैं, ये लाइंस ऐसे बन गई हैं यहाँ पर। और ये साथ वाली लाइंस में थोड़ी भीड़ है, मैंने यहाँ गार्ड से पता किया है तो वो कह रहा है कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं है, बस दूर पास का फ़र्क है और कोई ज़्यादा इसमें फ़र्क नहीं है। बाकी मुझे ना सुन करके आप ज्यादा से ज्यादा दर्शन पे ध्यान दें, दर्शन पे दर्शन करो। जय श्री श्याम, जय। तो भाई दर्शन हो गए हैं, बहुत प्यारे दर्शन हुए, बहुत सुंदर दर्शन हुए हैं कि
लोग कह रहे थे कि उधर की साइड लाइन में लगो, ज़्यादा देर तक खड़ा होना पड़ेगा, पीछे लगो ज़्यादा देर तक खड़ा होना पड़ेगा। हम सबसे लास्ट वाली लाइन में लगे। बहुत सुंदर, बहुत आराम से दर्शन हुए, कोई झिकझिकबाजी नहीं, कोई टेंशन नहीं, बहुत बढ़िया सिस्टम खाटू श्याम संस्था का। और यहाँ पे फोटो सेशन चल रहा है, सोचो कि आराम से खड़ा होकर संदीप भाई फोटो खिंचवा रहे हैं, कोई टेंशन नहीं है, बहुत तरीके से, बहुत आराम से यहाँ पे सिस्टम से दर्शन किए जा रहे हैं, दर्शन दिए जा रहे हैं। बाकी सो फार सो गुड। तो संदीप भैया, विकास, कैसे दर्शन हुए भाई, ये बताओ। है मजा आ गया, सिस्टम कैसा था ये बताओ। बहुत अभी फिलहाल हम होटल जा रहे हैं और थोड़ा सा मार्केट से जिसको जो चीज़ खरीदनी होगी वो खरीद लेगा। और होटल जाते हैं, थोड़ी देर रेस्ट करते हैं क्योंकि मुझे तो नींद नहीं आ रही है, क्योंकि हार्डली 266 किलोमीटर्स ही मैंने चलाया है। और बाकी कुछ हैं जिनको नींद आ रही है। अरे नींद किस किस को आ रही थी? शत्रु को नींद आ रही थी, आप कह रहे हैं नींद खत्म हो गई। कैमरा चालू होते भाई नींद खत्म हो जाती है इनकी, और कुछ नहीं है। अभी देखते हैं, यहाँ पे थोड़ा ब्रेकफास्ट भी करेंगे क्योंकि सुबह से किसी ने कुछ नहीं खाया। भाई जी, राजस्थान की गर्मी, हालत खराब बहुत ज़्यादा। पहले मैं होटल गया, जूते पहने फटाफट और फिर निकला हूँ अब बाहर। और मेरी वेशभूषा देख करके समझ गए होगे कि मैंने ऐसा क्यों किया। बहुत ज़्यादा गर्मी है भाई, बहुत ज़्यादा गर्मी है। और मुझे पानी पीना है। और ये हमारी टीम पीछे आ रही है फुल गर्मी में। डेडिकेशन, डेडिकेशन खूब है हमारी टीम में। मतलब कितना भी चला लो, इस भाई को नंगे पैर चलने का अलग ही शौक चढ़ा हुआ है। भाई बहुत ज़्यादा गर्मी है, बहुत ज़्यादा। मैं सोच रहा हूँ कि आगे हमें सालासर जाना है, तो सालासर इतनी गर्मी में जाएंगे कैसे। अभी बहुत कठिन हो रहा है हमारे लिए। फिलहाल अभी थोड़ा सा ब्रेकफास्ट, कोई अच्छा कुछ ढूंढ रहा हूँ मैं, जिसमें तला हुआ कुछ ना हो, ऐसा कुछ ढूंढ रहा हूँ। प्रसाद वगैरह भी घर के लिए लेना है। तो भाई धूप देखो बात, और बहुत गर्मी लग रही है। होटल केशव पैलेस में रुके हम, 1500 रुपये टैरिफ रूम का। थोड़ी धूप कम हो जाए उसके बाद निकलते हैं। 3 या 4 बजे तक हार्डली निकल जाएंगे यहाँ से सालासर बालाजी के लिए। तो भाई ये है रूम, ये संदीप भैया, और ये है वॉशरूम। मतलब सही है, ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा बुरा है, बट 1500 में और क्या लोगे यार। क्यों संदीप भैया, मेहनती लड़का। A few moments later. So, भाई रेडी होके तैयार, और सालासर बालाजी के लिए। सालासर बालाजी हमारा वेट कर रहे हैं, और सभी राइडर्स रेडी, ये सब रेडी हो रहे हैं पीछे। और क्या, कौन सा होटल है अपना? एक केशव होटल, केशव पैलेस खाटू श्याम जी, बढ़िया होटल है, रुकने लायक है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। बाकी रूम टूर मैंने आपको दे दिया था, 1500 रुपये पर ऑक्यूपेंसी है एज पर वेदर। और बाकी अभी यहाँ से निकलते हैं, देख लिया होगा, नहा धो लिया, अब दोबारा से पसीने में होने का समय आ गया है। और भाई पीछे शायद बाइक की इंक्वायरी हो रही है, किसकी बाइक है, ये कौन है, ये सब। सो निकले भी हो, चले, चलो बस ग्लव्स पहनते हैं और जैकेट डाल के फिर निकलते हैं। सालासर बालाजी वेट कर रहे हैं हमारा।
fix our problems. And you just never solve them, cause you always in drama. It's alarming, it's alarming. Girl, I just need clarity. Can you just let me breathe, oh? I don't wanna let you in, but it's too late now. माता मंदिर पहुंच गए और बिल्कुल गेट तक बाइक आई है हमारी, बिल्कुल गेट तक। गोप्रो से आपने देख लिया होगा शायद, इधर से राइट से एग्जिट है और बिल्कुल सामने मंदिर, और पूरी टीम सामने साथ में आ रही है। जय हो माता। बहुत सुंदर दर्शन, कम से कम 5-7 मिनट तक मैं वहाँ पर खड़ा रहा। फिर वो लोग मुझसे पूछने आए कि आप कहाँ से आए हो, दिल्ली से आए हो, बाइक से आए हो, इतनी दूर से। तो बाकी जो सवाल होते हैं वो सब सवाल उन्होंने किए, और पसीना मुझे देख रहे हो, गर्मी कितनी लग रही है। बाकी शूज़ पहनते हैं, बाकी ग्रुप व्रुप पर मिलता हूँ आपको मैं। तो भाई बीच में रुके हैं क्योंकि हवा इतनी तेज़ है और साथ में बारिश। बालाजी ने सूरज के प्रकोप को तो देखा, ठीक है, कि हमारे बच्चे सूरज के प्रकोप में जल रहे हैं, और फिर उनको तरस आया तो उन्होंने मौसम तो खुशनुमा किया बट अनफॉर्चुनेटली बारिश भी थी कि जाओ तुम जियो अपनी ज़िंदगी। यस भाई, अल्टीमेट मौसम, अल्टीमेट वेदर। देख रहे हो हवा, देखो भाई ये देखो ऊपर, और हम यहाँ पर रुके हुए हैं, और यहाँ से शायद 70 किलोमीटर्स के अराउंड है सालासर बालाजी, और अपनी बाइक्स यहाँ लगी हुई हैं। बाइक्स वाली बात तो खड़ी नहीं हो रही थी क्योंकि रेत है तो अंदर धस रही थी। तो भाई यहाँ पर आधा घंटा हो गया हमें रुके हुए, लेकिन बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही है। पीछे मौसम और ख़राब होता जा रहा है इधर बैक साइड पे। अभी हमें जितना भी ब्राइट नज़र आ रहा है ना आपको, बिल्कुल ब्लैक है, बिल्कुल ब्लैक पीछे की साइड। और यहाँ पर एक लेक भी है यहाँ पे पास में, तो यार मैं आपको दिखाता हूँ थोड़ा सा ISO कम करके। ये पीछे यहाँ पर लेक भी है, क्योंकि ISO हमारे हिसाब से सेट करता है ना कैमरा। और पीछे की साइड बिल्कुल पहाड़ दिखने बंद हो गए हैं, जो पीछे की साइड पहाड़ नज़र आ रहे थे ना वो बिल्कुल बंद हो गए हैं। हेलमेट मैं इसलिए नहीं रख रहा हूँ क्योंकि हवा इतनी तेज़ है, कहीं उड़ के गिर गया तो माउंट वगैरह टूट ना जाए। और बाकी अपने टीममेट्स उधर हैं, और देख रहे हो ये देखो बारिश। ओ भाई साहब क्या बात है। 2000 years later। तो भाई हल्की हल्की बारिश होती, कैमरा उतार दिया था इस मैंने, और अब लंच कह लो डिनर कह लो उसके लिए रुके हैं। डिनर तो नहीं लेना हो सकता, रात को एक बार वहाँ पर बीच में रुकेंगे। फिलहाल अभी सांवरिया फैमिली रेस्टोरेंट सब कुछ करके है, तो अच्छा बना हुआ था वहीं पर, हमने देख लिया तो यहाँ रुके हम। कुछ व्यू ऐसा है, और बीच में इतनी वाटर क्रॉसिंग आई कि मज़ा आ गया। घुमा ले। अच्छा एक बात बताओ, वाटर क्रॉसिंग में मज़ा कितना आया? तो भाई वाटर क्रॉसिंग में इन सबको मज़ा आया क्योंकि ये चला रहा था और वो चला रहा था राहुल विकास,
तो चलाने लायक नहीं है, बाकी दो बंदे चलाने लायक नहीं है। तो भाई यहाँ से निकलने का टाइम, खाना बहुत टेस्टी। जब भी बीकानेर हाईवे से निकलो तो भाई इस होटल पे ज़रूर रुको, और एक प्लान में बहुत बड़ा चेंज है तो मैं अभी आपको दिखाता हूँ और बताता हूँ। प्लान में चेंज ये है कि हम सालासर नहीं जा रहे, क्योंकि बारिश ने हमें डेढ़ घंटे दो घंटे रोक दिया। बारिश ने हमें डेढ़ से दो घंटे रोका वहाँ पर। हम निकले तो अपने टाइम के हिसाब से थे, बट 8 हमें यही बज रहे थे और एक घंटे का सफ़र दिखा रहा था और हमें कुछ खाया भी नहीं था। सो हम जैसे ही होटल पे रुके तो हमें लग रहा था कि आधा घंटा यहाँ लगेगा और एक घंटा पहुँचने में लगेगा, तो 9:30 बजे पहुँचेंगे हम तो। और मंदिर का टाइमिंग ही 9 बजे तक का है, इसलिए बालाजी को दूर से प्रणाम और इस बार के लिए सॉरी। अगली बार नेक्स्ट टाइम पक्का, बहुत जल्दी बहुत जल्दी। हम बालाजी के पास दोबारा आएंगे मिलने के लिए। इस बार के लिए सॉरी और आगे के लिए थैंक यू ज़रूर बोलने आएंगे। और खाना चुमना, मज़ा आ गया भाई खाने में, इसलिए आप कहीं नहीं रुकेंगे, हम सीधा आप घर रुकेंगे। बीच में चाय का ब्रेक लिया तो लेंगे, अदरवाइज़ नहीं लेंगे। और अभी घर हमें दिखा रहा है 5 घंटे 45 मिनट, 275 किलोमीटर दूर है हम अभी घर से। ये बीकानेर वाला हाईवे है, होता रहता है यार, कभी भी उदास नहीं होना चाहिए मन में कि हाँ हम गए नहीं, ये नहीं है, वो नहीं है, या भगवान का बुलावा नहीं था, ऐसा कभी नहीं सोचना चाहिए। हमें समय के अनुसार ही चलना चाहिए हमें। मैं वाइज़र बंद कर लेता हूँ क्योंकि हवा की आवाज़ आ रही होगी। हमें हमेशा टाइम के हिसाब से ही चलना चाहिए कि अभी टाइम क्या कह रहा है, कि हमें क्या करना चाहिए उस हिसाब से चलना चाहिए, क्योंकि रात भी ज़्यादा हो जाएगी निकलते हुए। और रात की भी बात नहीं है, जब मंदिर ही बंद हो जाएगा तो वहाँ जाकर के कोई फ़ायदा नहीं है, और हमें आज ही आज के अंदर घर भी पहुँचना है वापसी। इस चक्कर में नो रिस्क लेते हुए हमने सब ने ये डिसीज़न लिया कि हम वापस जाते हैं। और जादुई लाइट ऑन, देखा आपने जादू, पीछे से मुझे डीपर मार के कहा गया कि आप लाइट ऑन करो, इस चक्कर में मैंने लाइट ऑन करी। और भगवान से हम यही दुआ करते हैं कि ऐसे ही अच्छे अच्छे व्लॉग हम बनाते रहें, अच्छे अच्छे जगह वो हमें बुलाते रहें और अपने दर्शन हमें देते रहें। कहता अभी दर्द नहीं हो रहा है, अभी मेरे को टेंशन हो रही थी। टेंशन हो रही थी, अब दर्द हो रहा। तो भाई दिल्ली रह गया 90 और हम रुके एक ढाबे पे, 101 किलोमीटर खींच लाए थे और 100 मीटर बाद थोड़ी सी सबकी हालत हल्की सी टाइट हुई, तो सब ने कहा कि एक चाय ब्रेक ले लेते हैं, तो मैंने कहा ठीक है चाय ब्रेक लेते हैं। और बाइक परफॉर्मेंस ऑलमोस्ट बहुत अच्छी दे रही है, बस मीटर की जो प्रॉब्लम है वो और एक एम्प की प्रॉब्लम है वो, ये दोनों प्रॉब्लम्स सॉर्ट आउट हो जाएंगी ना, बाइक में कोई कमी नहीं है भाई, वो बस चलते फिरते छोटी मोटी चीज़ें हो जाती हैं। बाकी हमारे बीच में हैवी ड्राइवर आ गए। अरे हैवी ड्राइवर इधर आओ। ये हैवी ड्राइवर है, ठीक है जी, जिसको भी बाइक सीखनी हो इनके पीछे बैठे, और इसका मूल एक्सपीरियंस संदीप भैया बता सकते हैं। मतलब संदीप भैया की फाड़ के रख दी।
तो भाई निकल रहे हैं यहाँ से। विकास ने बताया कि इसमें बैटरी का इशू है, बैटरी चेंज होगी, काफ़ी टाइम हो गया बैटरी चेंज नहीं हुई है। तो मैंने कहा चलो बैटरी भी चेंज करा के देख लेते हैं। सो 90 किलोमीटर है, 93 किलोमीटर, 93 किलोमीटर्स। तो वैसे कुछ होगा तो मैं दिखाऊंगा, आपको बोर नहीं करूंगा। और पहुंच के ही अब वीडियो एंड करते हैं।